हमें भी टाइम था यार। सही बात है, ठीक है, और वहाँ से रिजल्ट भी शाम तक आ जाएगा। शाम तक कोई सब्जियां गलती है तो साहब हमारे तो यहाँ जिंदगी गड़ गई। एक हमारे यहाँ के बुजुर्गों अब जिनके काले बाल थे उनकी सफेदी आ गई है, जिनके काले बाल थे ना इस आंदोलन को लेकर आज सफेदी आ गई है। ठीक है बेटा, मैंने हमारा सहयोग करे, यह खाने की पानी की व्यवस्था सभी की करती है और आप सभी तो लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, हम सुजानगढ़ वाले परेशान हो रहे हैं। हमारा जिला नहीं दिया गहलोत साहब ने, इसकी वजह से पूरी सुजानगढ़ की और बिदासर की जनता परेशान हो रही है। और ये ट्रक वाले हैं यहाँ ड्राइवर, उन ड्राइवरों के लिए हमने चाय नाश्ता पानी और खाने तक की व्यवस्था की है। ये ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, हमारे ही भाई है, हमारा ही हिस्सा है। हमें पता है कि इनके प्रॉब्लम हो रही है, इनके माल का नुकसान हो रहा है, इसके जिम्मेदार गहलोत साहब है और यहाँ के स्थानीय विधायक है। हम हमारे ट्रक भाइयों को, ट्रक ड्राइवर तो भाई है, कलाशी उनके साथ है, उनके खाने की व्यवस्था, उनकी सब व्यवस्था कर रहे हैं और ये हमारे साथ हैं और हम इनका हर जगह सहयोग करेंगे। ट्रक ड्राइवर का हमारे भाई है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, कोई दूसरे नहीं है, इनका सहयोग, इनका पेट भरेंगे और इनको चाय देंगे, नाश्ता देंगे, इनको राजी रखेंगे, खुश रखेंगे। मगर गहलोत साहब को सोचना है कि सुजानगढ़ की जनता को किस तरह से राजी किया जाए। हमारे पास हमारा समर्थन देने के लिए आम जनता घरों से निकलकर बरसात में और रात को लगभग 12-1 बजे तक यहाँ बैठी थी और लगभग लोग यहाँ पूरी रात भी बैठे थे और बरसात आ रही थी, फिर भी सड़क जाम के सारे लोग यहाँ बैठे थे और अभी सब लोग और गाड़ी वालों के लिए भी सारी व्यवस्था कर दी गई है और सुजानगढ़ की सारी जनता है जो हमारे साथ है, सड़कों पर उतरी अपना काम धंधा छोड़कर और सुजानगढ़ को जिला बनाकर ही दम लेगी। No, 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 no.
मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ग्रामीणों में भी बहुत रोष है और सारे ग्रामीण सारे गाँव के रास्ते जाम करने में लगे हैं और हर ग्रामीण अब जा चुका है गाँव से भी सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए। सारे सुजानगढ़ इस जाम में आ रहे हैं और सारे युवा साथी भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और गाँव के लोगों में जो उत्साह है वो बहुत ज्यादा है और इस उत्साह को देखते हुए जल्द ही जिला बनाने की घोषणा इनको करनी पड़ेगी। हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि सुजानगढ़ की मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं इस जो ये आंदोलन उग्र हुआ है ये और उग्र होगा। इसका खामियाजा पूरे प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को भुगतना पड़ेगा। कि वो ट्रक ड्राइवरों को खाना खिलाए, खाना हमारा आ चुका है और कोई भी ट्रक ड्राइवर तेरी तानाशाही। रियासत कालीन में भी सुजानगढ़ जिला था और जब जिलों के डिवाइडेशन हुए हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी महोदय सुजानगढ़ को जिला बना करके सुजानगढ़ का गौरव वापस हमें देंगे, लेकिन हमें बहुत ही अफसोस हुआ कि जब जिलों का पुनर्गठन किया गया, जिलों का नाम का अनाउंस किया गया, उसमें सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया गया। ये हमारे साथ विश्वासघात है, जबकि सुजानगढ़ जिला होने के पूरे मानदंड पूरे करते हैं। हमने देखा है कि कुछ एक जिले ऐसे बनाए गए हैं जो अभी जिले का मानदंड भी पूरा नहीं करते हैं, उनसे आगे है सुजानगढ़ का रेवेन्यू मान लो या और कोई भी सुजानगढ़ की पॉपुलेशन मान लो, ये सारी की सारी जिला बनने के लायक है। हमें अफसोस है कि मुख्यमंत्री जी महोदय ने हमें जिला बनाने से वंचित रखता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, कड़े से कड़े शब्दों में इसकी
जो है विरोध करते हैं और सुजानगढ़ तिलपाल एसोसिएशन भी सुजानगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के कदम से कदम मिलाकर के साथ है और हम आपको वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सुजानगढ़ संघर्ष समिति के साथ सुजानगढ़ तिलपाल एसोसिएशन जब तक के हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी खड़ा रहेगा।